हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप टाइम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हिस्टोरिकल मूवी को जिसका नाम है द किंग। ये कहानी एक ऐसे राजकुमार की है जो अपना शाही जीवन से मुंह मोड़ चुका है और लोगों के बीच आम जीवन गुजार रहा है। पर राजकुमार को मजबूरी में राजा बनना पड़ा अपनी प्रजा को बचाने के लिए। पर आगे होने वाली जंग से राजा बिल्कुल अनजान है। क्या राजा अपनी प्रजा की दुश्मनों से रक्षा कर पाएगा या फिर मारा जाएगा, आइए पता करते हैं मूवी में। मूवी की शुरुआत 15th century से इंग्लैंड से होती है, जहां पर हम राजा हेनरी के सेनापति हॉफस्टर को देखते हैं, जिसने अभी अभी स्कॉटलैंड के खिलाफ एक जंग को जीता है जो बहुत पहले से होती आ रही है। जंग जीतने के बाद हॉस्पर राजा हेनरी के पास जाता है। यहाँ राजा हेनरी अपने कुछ खास मेहमानों के साथ खाना खाते हुए मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी हॉस्पर कहता है कि आपने मोर्टिमर की रिहाई के लिए अभी तक कुछ क्यों नहीं किया। मोर्टिमर हॉस्पर का भाई है, जिसे पहले जंग के दौरान दुश्मनों ने अपनी हिरासत में ले लिया था। जिस पर राजा हेनरी कहते हैं कि उसने अब तक दुश्मनों को हमारा सारा राज बता दिया होगा, अब वो भी हमारा मन है। ये सुनकर हॉफस्टर भड़क जाता है। हॉफस्टर राजा को याद दिलाता है कि कैसे हॉफस्टर और उसकी फैमिली ने राजा हेनरी की सेवा की, उनके लिए बहुत सारी जंग इंग्लैंड के खिलाफ लड़ी और उन्हें जीते हुए उसकी फैमिली के काफी लोग भी मारे गए। ये सब बोलने के बाद हॉफस्टर यहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसके बाद हम राजकुमार हेल को देखते हैं, जो राजा हेनरी का बेटा होता है। हेल अपने दोस्त जॉन के साथ रहता है, जो पहले एक जाबाज सिपाही हुआ करता था। ये दोनों बड़े ही आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। पर एक दिन राजा का एक सिपाही आकर हेल को बताता है कि राजा बहुत बीमार हैं और राजा हेल से मिलना चाहते हैं, पर हेल जाने से मना कर देता है। अगले दिन जॉन हेल को समझाता है कि हेल को उसके बीमार पिता के पास जाना चाहिए, क्योंकि राजा की तबीयत बहुत खराब है, बेहतर है कि उस काम को कर लिया जाए जिसको न करने से बाद में पछताना पड़े। जॉन की बात मानकर हेल राजा से मिलने के लिए उसके महल आ जाता है और हेल देखता है कि राजा हेनरी सभी सलाहकार और मंत्रियों के साथ बैठे हैं। राजा कहते हैं कि वक्त आ गया है एक नया उत्तराधिकारी चुनने का। राजा हेनरी के मुताबिक हेल एक अच्छा राजा नहीं बन सकता, इसलिए राजा हेनरी अपनी जगह हेल को ना देकर अपने छोटे बेटे थॉमस को देते हुए थॉमस को नया राजा घोषित कर देते हैं। हेल राजा नहीं बनना चाहता क्योंकि हेल को राजनीति, राज सिंहासन, जंग में खून खराबा, इन सभी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए हेल अपने पिता से अलग ही रहता है। वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि उसका छोटा भाई अब राजा बन गया है। इसी के साथ राजा हेनरी ये भी बताते हैं कि कल होने वाले युद्ध में थॉमस हैरी पर्सी के खिलाफ युद्ध करेगा। ये सुनने के बाद हेल वापस अपने घर आ जाता है और पूरी रात कल होने वाली जंग और अपने भाई के बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह हम थॉमस को देखते हैं, जो जंग करने के लिए तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ हेल आ जाता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। हेल एक सिपाही से हेनरी पर्सी को एक संदेश भिजवाता है और उसमें लड़ाई ना करने का प्रस्ताव को रखते हुए जंग को मना करता है और सिर्फ हॉफस्टर को खुद से लड़ने की चुनौती देता है, क्योंकि हॉफस्टर के लोग भी इन्हीं के अपने ही लोग हैं जो राजा हेनरी की बातों से नाराज होकर उनसे जंग करना चाहते हैं। हेल आपस में ही लड़कर अपने लोगों का खून नहीं बहाना चाहता, इसलिए हेल हॉफस्टर से बात करके मसले को सुलझाने की कोशिश करता है। पर हॉफस्टर हेल की बात नहीं मानता और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। हॉफस्टर काफी माहिर सिपाही है, पर हेल भी इससे कम नहीं। दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं है। काफी देर लड़ने के बाद हेल हॉफस्टर के गले पर चाकू से हमला कर उसे मार गिराता है और इस तरह से हेल दोनों तरफ के सिपाहियों को शहीद होने से बचा लेता है और अपने भाई थॉमस से कहता है कि हॉफस्टर की तरह किसी दिन तुम भी ऐसे ही मारे जाओगे, जंग में कुछ नहीं रखा, मेरे साथ चलो वरना मारे जाओगे। पर थॉमस काफी गुस्से में है क्योंकि ये पहला मौका था खुद को एक अच्छा लीडर साबित करने का, पर थॉमस से पहले ही हॉफस्टर को हेल ने मार दिया। इसके बाद हेल वापस अपने घर लौट आता है। यहाँ आकर वो काफी अफसोस करता है कि उसने हॉफस्टर को मार दिया। कुछ दिन बाद राजा हेनरी के खास सलाहकार विलियम हेल के पास आकर हेल को बताते हैं कि उसके पिता ने राज्य को बड़ी मुश्किल में डाल दिया, हालात बहुत खराब हो चुके हैं, आपके पिता भी अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं, हमें एक नए राजा की जरूरत है। ये सुनकर हेल कहता है कि ये सब मुझसे नहीं थॉमस से जाकर कहो, वही तुम्हारा राजा है। जिस पर विलियम कहता है कि हॉफस्टर को मारने के बाद थॉमस हैरी पर्सी को मारने के लिए वेल्स गए, उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ जंग करी पर जंग के दौरान वो मारे गए। अब इंग्लैंड को राजा की जरूरत है, अगर दूसरे राज्यों को पता चल गया कि इंग्लैंड के पास कोई लीडर नहीं है तो वो हमारे देश पर हमला कर देंगे और सभी लोग बेमौत मारे जाएंगे। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर हेल गुस्से में राजा हेनरी के पास आता है। राजा हेनरी हेल को इंग्लैंड की जिम्मेदारी देते हुए उसे नया राजा बना देते हैं और अपनी आखिरी सांस लेते हैं। ना चाहते हुए भी हेल को अपने लोगों के लिए मजबूरी में राजा बनना पड़ा। सभी लोग हेल के आगे अपना सर झुका लेते हैं और उसे अपना नया राजा मान लेते हैं। अगले दिन हेल को सभी रीति रिवाजों के साथ राजा बनाकर पूरी आवाम के सामने लाया जाता है और रात को शाही दावत रखी जाती है जिसमें सभी करीबी रिश्तेदार होते हैं। अलग अलग देशों के राज्यों ने भी हेल के लिए तोहफे भेजते हुए उन्हें राजा बनने के लिए मुबारकबाद दी है। पर फ्रांस के राजा चार्ल्स के बेटे राजकुमार ड्यूफिन्स राजा को एक
बॉल भेजते हैं और इस बॉल को हेल अपने ही पास रखते हैं क्योंकि ये बॉल हेल को उसके बचपन की याद दिलाती है। अगले दिन विलियम हेल से कहता है कि बॉल भेजकर डॉल्फिन्स ने आपका अपमान किया है, वो आपको कमजोर समझ रहा है। आपको अपने अपमान का जवाब अपनी ताकत से देना चाहिए ताकि आगे कोई भी ऐसी गुस्ताखी ना कर सके। जिस पर हेल कहता है कि मेरी ताकत किसी बेवकूफ की किए गए मजाक के लिए नहीं है। हेल हमेशा से ही अमन और शांति कायम रखना चाहता है, इसलिए वो अपने पिता से भी दूर रहता था और वो इस चीज को नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद हम हेल को उसकी बहन फिलिपिया के साथ देखते हैं, जो डेनमार्क जाने से पहले हेल को समझाती है कि जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना, क्योंकि राज दरबार के सभी सलाहकार अपने फायदे के हक में सलाह देते हैं। किसी पर भी आसानी से भरोसा मत करना। इसके बाद अर्क फ्रांस में हमला करने की सलाह देता है। वो बताता है कि फ्रांस के राजा बहुत ही बेरहम राजा है, हमें जल्दी वहाँ हमला करके कब्जा कर लेना चाहिए। अगर आपके पिता राजा हेनरी जिंदा होते तो वो यही करते। जिस पर हेल कहता है कि मैं अपने पिता जैसा नहीं हूँ। दरअसल राजा हेनरी के अंदर इतनी नफरत और शक भर चुका था जिसकी वजह से स्कॉट और वेल जैसे राज्यों से युद्ध शुरू हो गया, जिसके चलते काफी सैनिक मारे गए और इंग्लैंड की संपत्ति भी लगभग खत्म होती जा रही है। सभी को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए हेल उन सभी राज्यों से सुलह करना चाहता है जिससे उनके पिता अब तक जंग करते आ रहे हैं। राजा हेल के इस फैसले से राज दरबार के सभी सलाहकार और मंत्री सहमत नहीं हैं। इसके बाद विलियम हेल को समझाता है कि उसे एक राजा की तरह सोचना चाहिए, दूसरे राज्यों में जवाब न देकर वो खुद को एक कमजोर राजा साबित कर रहा है। इसके बाद हम हेल के दोस्त जॉन को देखते हैं, जो हेल के जाने के बाद से काफी कर्जदार हो चुका है। बार की ओनर भी जॉन को उधार देना बंद कर देती है, जिस पर जॉन कहता है कि एक दिन हेल आकर उसका सारा कर्जा चुका देगा, पर ओनर कहती है कि वो अब एक राजा बन चुका है, वो तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आएगा। इसके बाद विलियम एक जासूस को हेल से मिलाता है जिसे फ्रांस के राजा ने हेल को मारने के लिए भेजा है, पर हेल फिर भी फ्रांस के राजा से बात करने को कहता है, जिस पर विलियम कहता है कि अब हमें समझौते से ज्यादा शांति की जरूरत है जो हमें जंग कर ही मिलेगी। जिस पर हेल कहता है कि जंग से पहले फ्रांस के राजा को एक संदेश भेजा जाए जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम युद्ध चाहते हो तो अपनी सेना के साथ सामने आओ। हेल की बातों से सभी को लगने लगा है कि हेल एक कमजोर राजा है जो जंग लड़ने से डर रहा है। विलियम हेल से कहता है कि अब हमें फ्रांस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अगर तुमने जल्दी कोई फैसला नहीं किया तो हमारी मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। इसलिए हेल विलियम की बात को मानते हुए फ्रांस से जंग का ऐलान कर देता है, क्योंकि लॉर्ड कैम्ब्रिज और लॉर्ड ग्रे दोनों को फ्रांस ने अपने साथ करने की तीसरी गलती करी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लॉर्ड ग्रे और लॉर्ड कैम्ब्रिज को हेल सजाए मौत का हुक्म देता है क्योंकि इन लोगों ने फ्रांस से हाथ मिलाकर हेल को धोखा दिया, इसलिए हेल इन लोगों के सर कटवा देता है। इसके बाद हेल जॉन से मिलने के लिए बाहर जाता है जिससे वो काफी टाइम से नहीं मिला। थोड़ी देर जॉन से बात करने के बाद हेल जॉन से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी सेना को लीड करो, क्योंकि हेल पहली बार किसी जंग पर जा रहा है और जॉन एक माहिर योद्धा रह चुका है और वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता सिवाय जॉन के, इसलिए वो जॉन को अपने साथ जंग में चलने को कहता है। जॉन भी मान जाता है और बदले में हेल को उसका सारा उधार चुकाने को कहता है। इसके बाद ये सभी लोग जंग के लिए इंग्लैंड से फ्रांस समुद्र के रास्ते होकर जाते हैं। बीच रास्ते में इन्हें हैनपर का एक गांव मिलता है जिसे ये अपना बेस कैंप बना लेते हैं और जल्द ही बहुत बड़ी बड़ी गुड़ैल बना लेते हैं और महल पर हमला कर देते हैं, पर कोई भी बाहर नहीं आता, इसलिए राजा हेल हमला लगातार करते रहने को कहते हैं ताकि ये लोग बाहर निकल सके। दो दिन लगातार हमला होने पर हैनपर के राजा भूख और प्यास से बेहाल होकर हेल के आगे अपने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप हमारी औरतों और बच्चों को बंदी ना बनाएं। इसलिए हेल औरतों और बच्चों को आजाद कर इन सभी लोगों को बंदी बना लेता है। बीच रात में ही फ्रांस के राजकुमार डॉल्फिन्स राजा हेल से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि फ्रांस पर कब्जा करने का सपना देखना छोड़ दो, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो तुम्हारे साथ तुम्हारी सेना को भी मार दिया जाएगा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वापस इंग्लैंड लौट जाओ। पर हेल डॉल्फिन्स को बिना कोई जवाब दिए ही कैंप से बाहर चला जाता है और अगले दिन अपनी सेना के साथ डॉल्फिन्स के महल के लिए रवाना हो जाता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग कैंप लगा लेते हैं ताकि ये थोड़ा आराम कर सके। कुछ बच्चे जंगल से लकड़ी लेने के लिए जाते हैं जहां पहले से ही डॉल्फिन्स इन बच्चों का इंतजार कर रहा होता है। इनमें से दो बच्चों को डॉल्फिन्स मार देता है और एक बच्चे को जिंदा छोड़ देता है ताकि ये अपना संदेश हेल तक पहुंचा सके। डॉल्फिन्स इस बच्चे के हाथों दूसरे बच्चे का कटा हुआ सर हेल तक पहुंचा देता है ताकि वो डर की वजह से पीछे हट जाए। जब हेल इस बच्चे के हाथ में कटा हुआ दूसरे बच्चे का सर देखता है तो वो गुस्से में आग बबूला होकर फ्रांस के कैदियों को मारने का हुक्म दे देता है। इसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और ये फ्रांस के काफी करीब पहुंच जाते हैं। महल पर पहुंचने से पहले ये अपने सबसे तेज घोड़सवार डर्टमाउथ को आगे भेजते हैं। थोड़ी आगे बढ़ने पर डर्टमाउथ देखता है कि डॉल्फिन्स के सिपाही इनके सिपाहियों से 10 गुना ज्यादा हैं। डर्टमाउथ आकर हेल को सब कुछ बता देता है कि उनके सिपाही बहुत ज्यादा हैं, जिस पर सेनापति कहते हैं कि पीछे लौटने में ही भलाई है क्योंकि हम डॉल्फिन्स की सेना का
का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उसकी सेना हमारी सेना से तादाद में 10 गुना ज्यादा है। हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जिस पर जॉन कहता है कि हम उन लोगों से जीत सकते हैं अगर हम बिना कवच और घोड़े के लड़े तो, क्योंकि जिस जगह पर फ्रेंच कैंप लगे हुए हैं उससे पहले जमीन पर काफी मिट्टी है, अगर बारिश हुई तो वहाँ ज्यादा पानी की वजह से कीचड़ हो जाएगी। ड्यूफिन्स की सेना ज्यादातर भारी कवच हथियारों और घोड़ों के साथ है जिसकी वजह से वो कीचड़ में नहीं टिक पाएगी। हमें सिर्फ कुछ सिपाहियों के जरिए उन्हें कीचड़ तक लाना होगा और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे तेज तीरंदाज उन पर तीरों की बौछार कर देंगे और बाकी के लोग साइड से आकर उन्हें घेर लेंगे और इस तरह हम जंग को जीत सकते हैं। पर हेल के सेनापति जो उनसे सहमत नहीं है, हेल के सेनापति कहते हैं कि ये सिर्फ पागलपन है, हम इतनी आसानी से ड्यूफिन्स की सेना को धोखा नहीं दे सकते। जिस पर हेल कहता है कि अगर कल बारिश हुई तो हम सभी लोग जंग के लिए आगे बढ़ेंगे। जॉन की कही बात सच हो जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश भी होने लगती है। सभी लोगों को जंग के लिए तैयार होने को कहा जाता है। इधर जॉन भी अपने साथियों के साथ जाने के लिए तैयार है। हेल जंग को रोकने की आखिरी कोशिश करता है और ड्यूफिन्स को लड़ने की चुनौती देता है ताकि खून खराबा ना हो। पर ड्यूफिन्स को अपनी सेना पर पूरा भरोसा है कि वो हेल की सेना को हरा देगी, इसीलिए वो हेल से लड़ने के लिए मना कर देता है और जंग करने को कहता है। इसके बाद हेल वापस अपनी सेना के पास आ जाता है और उनका हौसला अफजाई करते हुए कहता है कि यही मौका है खुद को साबित करने का, करो या मरो। और प्लान के मुताबिक हेल अपने सभी लोगों को जंगल की साइड में लेकर चला जाता है ताकि ये पीछे से ड्यूफिन्स की सेना पर हमला कर सके। जॉन भी अपने जाबाज सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है जिसे देखकर ड्यूफिन्स इनके जाल में फंस जाता है और अपनी सेना को हमला करने का आदेश दे देता है। जैसे ही ड्यूफिन्स के सिपाही जॉन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हेल के तीरंदाज ड्यूफिन्स की सेना पर तीरों की बौछार कर देते हैं जिससे बचते हुए वो कीचड़ में गिरने लगते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए जॉन और उसके साथी इन लोगों को तेजी से मारने लगते हैं। ड्यूफिन्स भी अपने सिपाहियों की मदद के लिए और सिपाहियों को आगे भेज देता है जिसके बाद प्लान के मुताबिक हेल अपने बाकी साथियों के साथ आगे बढ़ता है। जैसा कि जॉन्स ने बताया था, ये लोग बिना घोड़े और बिना कवच से ड्यूफिन्स की सेना का सामना करते हैं। पर ड्यूफिन्स के सिपाही भारी कवच और हथियारों की वजह से हेल के सिपाहियों के आगे नहीं टिक पाते और कीचड़ में फिसलते रहते हैं। ड्यूफिन्स अपने सिपाहियों को हारता देख हेल की लड़ने की चुनौती को मान लेता है और हेल को लड़ने को कहता है। जैसे ही ड्यूफिन्स लड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो अपने भारी कवच की वजह से वो कीचड़ में बार बार फिसलता रहता है। हेल अपने सिपाहियों को ड्यूफिन्स को मारने का इशारा देता है और हेल के सिपाही ड्यूफिन्स को मार देते हैं। शानदार रणनीति और बहादुरी के साथ चंद सिपाहियों से ही हेल अपने से 10 गुना ज्यादा बड़ी सेना को हरा देता है और जंग को जीत लेता है। पर वो अपने सबसे अच्छे दोस्त जॉन को खो देता है क्योंकि जंग लड़ते हुए जॉन मारा जाता है जिसे देखकर हेल रोने लगता है। इसके बाद फ्रांस के राजा हेल के आगे झुक जाते हैं और अपनी बेटी कैथरीन की शादी हेल से करने का प्रस्ताव रखते हैं ताकि हमेशा के लिए दोनों राज्य एक होकर रहें। हेल भी इस शादी करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हेल कैथरीन के साथ इंग्लैंड वापस आ जाता है तो कैथरीन हेल से कहती है कि उसने बेवजह जंग क्यों करी, जिस पर हेल बताता है कि शुरुआत तुम लोगों ने ही करी। पहले बॉल भेजकर मेरा मजाक उड़ाया, फिर मुझे मारने के लिए जासूस भेजा गया और इसके बाद लॉर्ड कैम्ब्रिज और लॉर्ड ग्रे को अपनी तरफ कर लिया। जिस पर कैथरीन बताती है कि फ्रांस की तरफ से कभी भी हेल को कोई बॉल तोहफे में नहीं भेजी गई और न ही कोई जासूस उसे मारने के लिए भेजा गया। हेल समझ जाता है कि विलियम ने उससे झूठ कहा। वो विलियम के पास जाता है। उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे शुरू से ही विलियम था। उसी ने जंग के लिए हेल को भड़काया और जंग करवाई जिसकी वजह से उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त जॉन को खो दिया। विलियम हेल से माफी मांगने लगता है पर गुस्से में हेल विलियम को मार देता है और इसके बाद ही कैथरीन के पास जाकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मुझसे सच कहोगी। कैथरीन के वादे के साथ मूवी कभी एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।